प्यार तेरे लिए बहुत है इजहार करने नहीं आंदा। घर वालों को पता था शौक है, बट ये कि यार थोड़ा फाइनेंशियली आपको पता है इसमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बंदे को, तभी आज की डेट में होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, और सच न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर का जो उभरता हुआ टैलेंट है उनसे हम आपको रूबरू कराएं, उनसे बातचीत करें, उनकी जर्नी के बारे में जानें और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कितना सक्सेसफुल हैं उन्हीं से हम जानेंगे। और आज जिस इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, इनका नाम है रमनदीप सिंह जी, जो एक ब्लॉगर हैं, सिंगर हैं और कई सारे टैलेंट हैं इनमें, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। तो मैं थैंक यू करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सारी सच न्यूज़ टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में, एक सिंगिंग का करियर आपका चल रहा था, उसके बाद आपने व्लॉगिंग भी करना शुरू किया। ये सिंगिंग पहले मैं चाहूँगा, ये कहाँ से शुरुआत हुई सिंगिंग की खासकर, और एक आपकी एल्बम भी आई थी बहुत अच्छी थी, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएँ। तो मैं पकड़ सकता हूँ या फिर आप नहीं पकड़? ठीक। तो यार मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल लाइन में था उस टाइम पे मुझे शौक चढ़ा था जैसे लिरिक्स लिखने का, तो उस टाइम पे मैं लिरिक्स लिखता था। तो लिखते लिखते फिर जब मैं कॉलेज लाइन में आया तो उसके बाद थोड़ी सिंगिंग वाली लाइन में भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने एक लिरिक्स लिखा तो वो मैंने अपने फ्रेंड को सुनाया कि यार ये लिरिक्स मैंने लिखा है, और अपनी फैमिली को भी मैं सुनाता गया तो वो कहते कि काफ़ी अच्छा है। तो वैसे ही मुझे एक कॉन्टैक्ट मिला जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, लाइक म्यूज़िक एक बनाते हैं, तो उनका नंबर मुझे कहीं से मिला। तो मैंने अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करा कि यार थोड़े लाइक उस टाइम पे स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास इतने पॉकेट बनी जितनी आती थी वो बहुत कम थे उसके लिए। तो मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट करा और पापा ने मुझे थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करा, और उन्होंने बोला चल तू अगर तेरे को शौक है तो तू एक सॉन्ग करके देख ले। तो उस टाइम फिर क्या हुआ था कि मुझे आर्टिस्ट भी चाहिए थे और साथ में उसके रैप करने के लिए मुझे एक लड़का चाहिए था, तो वो मेरे फ्रेंड्स ही थे जो सपोर्ट करते हैं। आपको बताइए आज की डेट में जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आपको। तो फ्रेंड्स ही थे, सारों ने मुझे सपोर्ट करा और हमने जो है एक सॉन्ग निकाला जिसका नाम था इजहार, जिसके लिरिक्स मैंने खुद ने लिखे थे और जो सॉन्ग जो मेन सॉन्ग था वो मैंने खुद ही गाया था और जो रैप मिक्सअप करा था हमने। तो जो स्टोरी लाइन भी कुछ अपने से ही इंस्पायर्ड थी, जैसे कि अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत याद थी, और शूट भी हम सब ने खुद ही करा था मिलके। तो जब हमने शूट करा तो उसके बाद हमें सबसे मेन चीज़ थी कि यार हम एडिटिंग कैसे करवाएं, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स भी हमारे पास सिंपल सा ही होता था जिससे हम एडिट नहीं कर पाते थे। तो फिर एक हमें बंदा मिला, दोस्त ही था, वो भी अपना दोस्त ही बन गया था एट लास्ट। तो उसने हमें एडिट भी करके दी वीडियो, जो काफ़ी अच्छी एडिट करके दी है, और इस टाइम पे उसका जो लेवल है वो भी काफ़ी हाई, वो चंडीगढ़ वाली साइड सॉन्ग्स का शूट करता है। तो उन्होंने भी काफ़ी हमारी सपोर्ट करी, और जिसके एट लास्ट जो हमारा सॉन्ग निकल आया, तो और जिसका एक दिन में सबसे पहला सॉन्ग था उस चैनल पे और एक दिन में 25,000 व्यूज़ चले गए थे उस पर। तो जिसकी वजह से लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस एक टाइप का मिला और साथ में इंस्पायर हुआ मैं उससे। तो उसके बाद मैंने फिर दो सॉन्ग्स और रिलीज़ करे, तो अपने लेवल पे ही किया, वो इतना हाई लेवल पे था नहीं, बट ये कि यार एक किस्म का हमें वो मोटिवेशन मिल जाता है कि यार कभी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको वो लेवल जैसे होता है ना, आज की डेट में बहुत हाई लेवल के सॉन्ग्स निकल रहे हैं, वीडियोज़ निकल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। तो वो उसी के थ्रू हम निकाल देंगे सॉन्ग, तीन सॉन्ग्स हमारे जो चैनल यूट्यूब पर आ चुके हैं अभी तक, तो रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, अगर जज्बा हो कुछ करने का तो सक्सेस जो है वो आपको ज़रूर मिलती है, चाहे वो कोई छोटा काम है चाहे कोई बड़ा काम है, सक्सेस ज़रूर मिलती है। सर ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे हम अपनी ऑडियंस को, मैं चाहूँगा जो आपका सॉन्ग है वो थोड़ा कुछ दो तीन लाइनें जो है आप ज़रूर शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। जी। प्यार तेरे लिए बहुत है इजहार करने नहीं आंदा, रातां नूं उठ उठ के मैं तारे गिन गिन रोंदा, तेरे दिल विच की है मैनू इक वारी तू दस जा, मेरी जिंदगी दे विच तू रूह वांग वस जा। ये जो लाइन थी ये मेन जो होती है लाइन वो लाइन थी, उसके आगे सारा रैप था, तो ये इतना ही। एक्चुअली मैंने सिंगिंग काफ़ी देर होगी छोड़ दिया हुआ है, अब मैं व्लॉगिंग वाली लाइन में आ चुका हूँ, बट ये है कि काफ़ी फ्रेंड्स मेरे बोल रहे हैं कि वापस से सिंगिंग वाली लाइन में थोड़ा बहुत अपना योगदान कर। लाइक क्या कारण रहा सिंगिंग में इतना अच्छा, आपने बताया
पहला ही सॉन्ग आया था तो एक ही दिन में 25,000 मोर देन व्यूज़ आए थे आपको, तो फिर क्या ऐसा मन में आया कि आप व्लॉगिंग की तरफ चले गए, जब व्लॉगिंग ही आपको लगा कि नहीं इसमें शायद अच्छा कुछ जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा, क्या कहेंगे? एक्चुअली उस टाइम पे जिस टाइम मैंने सॉन्ग निकाला था उस टाइम मैं सेकंड सेम में था, तो उसके बाद फिर पढ़ाई का भी जैसे कि होता है एक किस्म का सिर पे बर्डन सा था, साथ में फैमिली का भी थोड़ा स्टेबल करना था, जैसे कि आपको पता ही है आज की डेट में जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप में जितना मर्जी टैलेंट हो लोग अगर आपने पढ़ाई कम की होगी ना तो कहीं ना कहीं वो आपको पोक करेंगे लोग कि यार इस बंदे ने पढ़ाई नहीं किया, बट चलो जो भी है ठीक है। तो मैंने फिर स्टडी वाली साइड में मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार फ्यूचर में अगर अपने जो क्योंकि घर वालों पे भी इतना फोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगते थे, इनकम कुछ सोर्स नहीं था, तो फिर मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, अभी ड्रॉप करते हैं। वैसे सिंगिंग मैं घर पे ही सीखता था तो घर वालों को पता था शौक है, बट ये है कि यार थोड़ा फाइनेंशियली आपको पता है इसमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बंदे को, तभी आज की डेट में होता है, तो वही था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ फिर जॉब करने का शौक नहीं था कभी, ऐसे हुआ नहीं कि यार किसी के अंडर काम करें, वो था कि यार अपना ही कुछ करेंगे काम। तो हमारा अपना होटल भी है पत्नीटॉप वाली साइड पर, तो वो भी थोड़ा कुछ ड्यू टू सम रीज़न बंद ही पड़ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर व्लॉगिंग वाली लाइन में, मैंने आज से 5 से 6 साल पहले वीडियो डाली थी दो, तो उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, तो वीडियो दो डालने के बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा यार कौन डालेगा एडिट करेगा ये वो, बड़ा ज़्यादा सिर खपाई होता है। तो लास्ट ईयर मार्च में क्या हुआ कि मैंने कैमरा ले लिया GoPro, तो उसके बाद मैंने सोचा मोटो व्लॉगिंग करते हैं। तो फिर एक बार जब मैंने मोटो व्लॉगिंग एक बार कैमरा ले लिया ना, जब हाथ में आया वो, तो मैंने सोचा नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ साथ में। मैं करता गया ले ट्रिप मारा मैंने मारुति 800 पे, मनाली से पूरा घूम के गया था और ओनली वन इन इंडिया मारुति थी वो। तो उसके बाद आस्ते 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 मॉडिफिकेशन की लाइन में आए जो मेरा शौक था, और काफ़ी लोगों ने अभी मेरे 16,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो वही है वो लोग जो है ना वो मेरे जो एक बहुत बढ़िया मेरी ऑडियंस है, तो वो सिर्फ मेरी ना जो वे ऑफ टॉक है जैसे कि मेरी देसी थोड़ी लैंग्वेज है ठीक है, और वो चीज़ उनको काफ़ी पसंद आ गई, साथ में मेरी वे ऑफ टॉकिंग पसंद आ गई, तो जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ नहीं यार ये जो है ना, और साथ में जब मुझे दिन में 10 से 15 सब्सक्राइबर्स जो मेरे फॉलोवर्स वो मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं बिग फैन ये वो, तो वो चीज़ जो है वो किक लगी है दिल पे, तो मैंने बोला नहीं यार ये करना चाहिए। जी जी बहुत बढ़िया। और मैं जाना चाहूँगा इसमें देखिए कहीं ना कहीं यूथ सोशल मीडिया पे आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट नहीं रहता, तो आपको पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला, जा क्या उनका रिस्पॉन्स था जब आप व्लॉगिंग करते हैं, जब आपका सॉन्ग आया उसमें कितना रिस्पॉन्स था पेरेंट्स का? एक्चुअली जब सॉन्ग आया मैं पापा से बहुत मतलब शर्माता हूँ, तो मतलब कि एक किस्म का होता है कि पापा चाहे जितने मर्जी हम बड़े हो जाएं तो पापा के वो डर रहता ही है दिल में, तो पापा से तो मैंने शेयर नहीं किया पर मम्मा सबको पता था, तो पापा को भी पता चल गया था, पर मेरे को किसी से पता चला कि पापा भी आगे सॉन्ग सुनाते थे लोगों की, मेरे बेटे ने सॉन्ग निकाला है, काफ़ी अच्छा लगता है वो सुन के। तो ये कि सपोर्ट तो वैसे इतना मिला नहीं, बट ये कि व्लॉगिंग वाली साइड जब मैं आया तो अभी भी घर वाले बोलते कि यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि इनकम कुछ है नहीं है, इनकम बहुत कम है, 16,000 प्लस सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी इनकम जो है मेरी 2 महीने में 10 से 11 हज़ार आती है, और जो मेरा स्पेंड है वो मोर देन लाइक 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा मैं खर्च उड़ा देता हूँ गाड़ियों पर ही, तो इनकम है नहीं, तो वही घर वाले कहते हैं कि यार इसका फ्यूचर क्या है, बट यही है कि यार अभी फ्यूचर नहीं है बट इसका कुछ टाइम बाद बहुत तगड़ा फ्यूचर हो सकता है अगर हम इसी लाइन में अगर हम पूरा इंटरेस्ट दे के करें। हाँ ये भी है कि इसका डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं कि ये यूट्यूब में आजकल काफ़ी ज़्यादा जो हैं क्रिएटर्स आ चुके हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिएट करते हैं, तो मतलब कि वही होता है कि एक बंदा कितनी वीडियो देख लेगा, आप 2-3 लाख सब्सक्राइबर के दौरान भी कई लोगों के 10,000 व्यूज़ भी नहीं आते, तो उसकी कोई पेमेंट आती नहीं होगी उनको, तो घर वाले भी एक किस्म के सही भी हैं वो कि कल को कुछ भी हो सकता है यूट्यूब वाली लाइन में, आप फ्लॉप भी हो सकते हो आप चढ़ भी सकते हो। तो इसका अल्टरनेट क्या सोच रखा है आपने, जैसे सही कहा आपने रिस्क भी रहता है कहीं ना कहीं, तो वो डर रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं कवर करने के लिए क्या सोच रखा है आपने अल्टरनेट इसका? एक्चुअली मैंने आपको जैसा बताया कि यार हमारा होटल भी है और साथ में मैंने मॉडिफिकेशन वाली लाइन जो है उसको साथ में जोड़ दिया व्लॉगिंग के, जैसे मैं मॉडिफाई करता हूँ गाड़ी मैं अपने व्लॉगिंग के थ्रू बता देता हूँ कि ये मैंने मॉडिफाई कराया, जिसके थ्रू मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं जिनको पता है कि भाई इन ये बंदा मॉडिफाई करता है, कल को अगर बाई चांस मेरा व्लॉगिंग वाली साइड पे नहीं चलता कुछ, अगर मैं कुछ काम भी खोलूँगा ना जैसे कि कोई शॉप खोल दी मॉडिफिकेशन वाली शॉप खोल दी या कुछ खाने पीने का ही खोल दिया, तो मैं अपनी व्लॉगिंग के थ्रू अपने ऑडियंस को बता तो सकता हूँ कि आप यहाँ पे आ सकते हो, और साथ में मेरी एक पहचान बन जाएगी, जिससे अब ये नहीं बोलता मैं कि बहुत हाई लेवल पर चला गया हूँ, बट ये कि यार कुछ लोग जो मेरे
दिल से सपोर्ट करते हैं, वो मुझे मिलने के लिए वहाँ पे आएंगे तो ज़रूर, है ना, तो वो लोगों को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि गाड़ियों पे आजकल बहुत लोग ज़्यादा मिल होता है पैसा खाने से ज़्यादा गाड़ियों पे खर्च रहे हैं। तो अब मैंने मॉडिफिकेशन वाली अगर कोई शॉप खोल भी तो मैं अपने यूट्यूब के थ्रू बता सकता हूँ इधर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जी जी बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं आजकल लोगों की पहचान कपड़ों से बाद में होती है, पहले व्हीकल से होती है कि कौन सी कन्वीनियंस है, कौन सी गाड़ी पे इंसान जो है आया है। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे फ्यूचर के लिए। तो ये थे हमारे साथ रमनदीप सिंह जी, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है, जिन्होंने एक सॉन्ग भी आपको सुनाया, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और इसके साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारा यूथ अभी हमारा ब्लॉगिंग कर रहा है। तो आपको इनसे बातचीत करके कैसा लगा, आपकी जो हमारी कन्वर्सेशन थी इससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, अपनी राय को जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। इसी के साथ मैं उन्हीं आपसे विदा लेता हूँ, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।